रिश्वतखोर है, एसडीएक्शन चोर है, ऐसी रिश्वतखोर है। समस्या जैसे है, भाखड़ा का जो पानी है एक दर्जन गांव है टैलगुपुर है, उन एक दर्जन गांव का अभी तक भाखड़ा का पानी हमारे को कभी नहीं दिया। इनने भाखड़ा के जो जो रूलिंग है उनके अंदर राई सूट नहीं लगा सके। ये महकमा जो मिली भगत पीस आ ले गए बम राई सूट लगाकर 5 साल से मारो पानी जगह बेचना आ रहे और बिंगी लड़ाई में आज लड़ रहा है। मांग ये करता हूँ उनकी मोगियां पट्टे उनके मोगियां खड़े हो, एक्शन हो, एसडीओ के ऊपर कार्रवाई करे सरकार, इनको सस्पेंड करे। तो क्या ये गैर कानूनी मोगियां कौन से एरिया में लगी और कौन सी नहर पे लगी? ये लगी है जी ओटू हेड से लेकर रोडी हेड तक, बीच बीच में लगी हुई है। बीच के अंदर बहुत ज्यादा मोगी है। एक तो मैंने 30 तारीख को खुद बर्मा लगा रखा है, 10 इंची मोगी चल रही थी, भाखड़ा का पानी है। 15 तारीख से लेकर 2 तारीख तक भाखड़ा पानी था। हमारे पास सिर्फ पानी पहुंचे 75 कुसक पानी आया है। 75 कुसक पानी सिर्फ 3 दिन इलाहाबाद को दिया गया पीने के लिए, और अगले जो गांव है उनको पानी नहीं दिया गया। पीछे से जो पानी है जो 193 कुसक था हमने हेड पर रोडी हेड से, और यहाँ पर पहुंचे 75 कुसक 118 कुसक पानी इन्होंने राई सूट से बेच दिया। हाँ, चोरी हो गया। राई सूट तो पक्की नहर में होते नहीं, तो हाँ, किस तरह से पानी निकालते हैं उसमें? उसमें से पानी निकालते हैं जी, पंखे लगा के राई सूट मोगी दबा रखी है जी, मोगी लाउडर करा रखी है। कैसे लगा रखी है हमारे को तो ये पता ही नहीं है। कागजों में तो नहीं है, कागजों में सर नहीं है। समस्या हमारी ये है जी, तलवारा खुर्द में मौजू की डाणी टोबरिया दौलपालिया बेर वाला टहल पर पानी नहीं पहुँच रहा जी। क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं जो अवैध मोगे लगा रखे हैं उनको उखाड़ा जाए, हमारी नहर को साफ सुथरा किया जाए और हमारा पानी टहल पर पानी पूरा पहुंचे। हेलो साउंड देख लिया भाई, की मांग लेके हमारे जी भाखड़ा के पानी की समस्या है। भाखड़ा का पानी टहलों पर नहीं पहुंच रहा, 3-4 गांव टहल पर पड़ते हैं जी। हमने पीछे आके देखा अभी पानी ना पहुंचने की वजह क्या है, पीछे जो रोड़ी से ओटू फिल्टर तक पानी बंद आता है जिसमें कुल 2 मोगे हैं सरकारी, उसके अलावा कागजों में कोई मोगे ही नहीं है। वहां पर इन्होंने एक एक किले पर 200-200 फुट पर मोगियां दबवा रखी हैं अवैध रूप से पैसे लेकर। हमने जब वहां से आके एससी साहब से बात की, एससी साहब ने हमें कोई ये तो कहा भी ये मोगियां अलाउड नहीं है, मोगियां अवैध है, गैर कानूनी है। लेकिन 6 दिन हो गए हमारा आदमी भूख हड़ताल पर बैठा भीमसेन पर भूखा पड़ा है, एससी साहब ने वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की है। हम तो यही सरकार से मांग करते हैं भी वो मोगियां उखाड़ी जाएं और सुरक्षित हमारा पानी टहल पर पूरा हो सके। आज सिंचाई मंत्री का पुतला फूंका है जी। अल्टीमेटम दिया था कि 7 तारीख तक हमारी जो इन्होंने अवैध मोगे लगाए हैं वो उखाड़े जाएं और उन पर कार्रवाई की जाए, एससी पे भी कार्रवाई की जाए क्योंकि उसने पानी बेचा, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 7 तारीख को भीमसेन साई ने यहाँ भूख हड़ताल रखी, उसके बाद भी आज तक कोई भी इनका कर्मचारी पूछने नहीं आया क्योंकि इन्होंने पैसे खा रखे हैं, पैसों का घपला इनकी जेब में चलता है, इसलिए ये कार्रवाई नहीं करते। आज भी हमने पुतला फूका है सिंचाई मंत्री का और आगे ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। देखो मैंने आपको
धन्यवाद।